वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है और अभी मैं मौजूद हूँ JNU के मामू ढाबा पे। जो आप ये आगे अपने सामने देख रहे हैं, ये है JNU का मामू ढाबा और ये कैंपस के विद इन लोकेटेड है। JNU में नियर अबाउट मैंने अब तक 6-7 देखे हैं, इससे ज़्यादा ढाबा हैं, मतलब ढाबे अब भरे हुए हैं JNU कैंपस के अंदर ही। सो अभी हम मौजूद है एक ढाबा पर। अगर मैं आपको दिखाऊं मैं कहाँ बैठा, तो ये भी एक पत्थर जैसी जगह है, आपको दिख नहीं होगा बिकॉज लाइट की कमी है, काफ़ी बहुत कम लाइट आ रही है मेरे फेस पर भी। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस ढाबा के बारे में। देखिए ये ढाबा ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन रहता है, जैसे कि लाइट लगी हुई आप देख सकते हैं। बाकी जो ढाबा जैसे गंगा ढाबा वगैरह हो गई वो बंद भी होती है। और जो ढाबा है ये बिल्कुल एकदम सेंटर्स के और हॉस्टल्स के बीच में है, तो बच्चे यहाँ से आते जाते रहते हैं। सो कॉन्टीन्यूस जो अगर आप देखेंगे तो फ्लो ऑफ पीपल बना हुआ है। हाँ, तो अभी हम लोग मतलब मेनली बात करने वाला हूँ मैं आपको व्हाट फ्रीडम यू गेट इन JNU। देखिए अगर मैं बात करूँ इंडिया के और किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाई की है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट इन माई ग्रेजुएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अगर मैं आपको बताऊँ तो वहाँ पर आपको फ्रीडम उतनी नहीं है बिकॉज कैंपस छोटा है और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कई सारे कॉलेजेस हैं तो उनकी फ़ीस ज़्यादा है। तो अगर आप देखेंगे मामू ढाबा को या फिर अगर आप देखेंगे JNU कैंपस को, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको फ्रीडम है, इतनी फ्रीडम इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। देखेंगे ये मामू ढाबा है और अभी क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देखिए अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ और ये रात भर खुला रहता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम बात करें फैसिलिटीज़ JNU में कि कैसे ये कैंपस जो है ये आपको उतनी फ्रीडम देगा जितनी फ्रीडम आपने कभी नहीं देखी होगी, बिकॉज यहाँ के पहली बात तो फीस बहुत कम है और कैंपस काफ़ी बड़ा है और आपके सेंटर के बाद यहाँ पे बहुत सारी ब्लैंक स्पेसेस हैं। तो कि जैसे मामू ढाबा आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये और अभी कितनी सारी चेयर्स खाली हैं। अगर आप मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बहुत सारी चेयर्स जो हैं वो खाली हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि जगह भर जाती है, जगह खाली रहती है। सो फ्रेंड्स, ये कैंपस के अंदर ही है और ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स ओपन रहता है और इसके जस्ट बगल ये यहाँ पर ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और उसके जस्ट आगे इस तरफ यहाँ पर विवेकानंद जी का स्टेचू है। आई फॉरगॉट टू से स्वामी विवेकानंद जी का स्टेचू है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये जो बोल्डर्स हैं ये पत्थर हैं, दीज आर द डेनोडेशंस पार्ट ऑफ द वेदर्ड अरावली रेंज। हाँ, सो ये है मामू ढाबा, JNU कैंपस के विदिन है, ये वन ऑफ द ढाबाज में से है और ये 24 घंटे खुला रहता है और ये दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल ऑफ द लाइफ यू गेट इन JNU। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी अबाउट JNU, आपको जो भी वीडियोज़ हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं टू कम JNU आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प टू प्रोवाइड यू। ये अगर आप रास्ता देखें तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है रास्ता, ये जो रास्ता है ये ऐसे ही आगे से कर्व होकर के जाता है, आगे लाइट नहीं तो उतना अच्छा दिखेगा नहीं। बाकी ये रास्ता इधर से जाता है SSS स्कूल ऑफ सोशल साइंस की तरफ, जहाँ पर CSRD सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट जो जियोग्राफी का है, बाकी CHS है, उसके अलावा वहाँ पर SSS है। सो फ्रेंड्स, हम लोग एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप देखें तो इधर एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता सीधा सामने, एक रास्ता इस तरफ, मैं जाता हूँ इस तरफ, जैसे कि ये रास्ता जो है दिस इज़ द वे विच इज़ लेस ट्रेवल्ड, यहाँ पे बहुत कम लोग आए हैं, तो उससे ये भी होगा ना कि मैं बोल सकता हूँ अच्छे से या फिर मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। जैसे कि अगर आप पेड़ देखें तो देखिए कितनी आपको मतलब आपको बता दूँ JNU रात को भी आपको लगेगा नहीं कि रात हो गई है, मतलब आप देखेंगे तो बच्चे करीब 2-3-4 बजे लाइब्रेरी से वापस आ रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी JNU की जो बंद होती है सुबह 6 बजे, वो बंद होती है सिर्फ 2 घंटों के लिए 6 से 8, उसके अलावा पूरी खुली रहती है, वो 9 बजे 8 से 9 घंटे के लिए साफ़ होती है, उसके बाद 9 से फिर ओपन हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप नए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा जिससे आपकी आपको हमारी जो वीडियोज़ हैं मिलती रहें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं थोड़ा आगे चल करके वहाँ पर वीडियो को एंड करूँगा जिससे कि मैं आपको लास्ट में वो ब्यूटीफुल सीन जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको दिखा सकूं। और आपको बता दूं ये सिर्फ एक ढाबा है JNU का, ऐसे बहुत सारे ढाबा है JNU में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ मी रुद्रेश शुक्ला। आई होप जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो या फिर उतनी अच्छी है नहीं शायद, हाँ, बट फिर भी अगर आप सपोर्ट करेंगे चैनल को, चैनल थोड़ा सा और बड़ा होगा तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ मोर गुड वीडियोस, थोड़ा सा और एफर्ट करके और अच्छे कैमरा या फिर और अच्छी तैयारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।